नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर का हरिद्वार में हुआ समापन। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा यह वार्षिक कार्यक्रम था, जो हर छः माह में किसान बैठक करते हैं और चिंतन शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में महासचिव दलजीत सिंह डागर, संरक्षक राज सिंह डागर, प्रवक्ता काला नंबरदार, अनूप नंबरदार, सतपाल धर्मपाल प्रधान बाकरगढ़ समेत तमाम जो किसान थे दिल्ली प्रदेश से, वो वहां पहुंचे और उन्होंने राकेश टिकैत, गौरव टिकैत व नरेश टिकैत से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस चिंतन शिविर के अंतिम दिन मौसम ने मिजाज बिगाड़ दिए और अंतिम दिन होने वाली पंचायत को स्थगित कर दिया गया और राकेश टिकैत के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि किसानों की सभी मांगों पर और किसानों की समस्याओं को लेकर के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। किसान चिंतन शिविर के दौरान देश भर के किसान वहां पहुंचे और तीन दिवसीय इस चिंतन शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश से बड़ा प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार में पहुंचा और तीन दिवसीय इस चिंतन शिविर में उन्होंने अपने विचार रखे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर ने पंचायत के दौरान अपने विचार रखते हुए विभिन्न किसान नेताओं से मुलाकात की, साथ ही पिछले दिनों हुई चर्चाओं पर भी बातचीत की गई व आने वाले किसानों की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इशारा किया कि आने वाले ठंडे दिनों में आंदोलन गर्म होगा, यह सरकार बातें सुनती नहीं है और आने वाले दिनों में 2024 में जो आम चुनाव है उसको लेकर के किसान अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और ठंडे मौसम में गर्म आंदोलन का इशारा कर गए राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के समर्थन को लेकर के पूछे सवाल में टिकैत ने कहा कि पहलवानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है, पहलवानों के साथ न्याय होगा और न्याय में देरी इस कारण हो रही है कि सरकार में मजबूत आदमी है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। तीन दिवसीय इस चिंतन शिविर में विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जिला अध्यक्षों ने अपने विचार रखे और किसान चिंतन शिविर में किसानों की समस्याओं पर, किसानों के संगठन को लेकर के व पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के और उनकी कार्यशैली को लेकर के बड़ी चर्चाएं की गई। बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी भी इस चिंतन शिविर में भाग लेती नजर आई और महिलाएं भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट नजर आई। महिला किसान प्रतिनिधियों, जिला अध्यक्षों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम किसान की बेटी हैं और हम महिला होने के साथ साथ किसान परिवार में हमने जन्म लिया है और किसानों की समस्याओं के लिए वो हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। खास बात यह रही कि पूरे किसान आंदोलन के दौरान बेहतरीन अनुशासन देखा गया और वहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति के लिए भंडारे से लेकर के रहने, खाने पीने, ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था वहाँ पर की गई। हरिद्वार में VIP घाट से लेकर के लाल कोठी तक और पूरे हरिद्वार में आपको हरा परना ओढ़े हुए और किसान की प्रतीक टोपी पहने हुए आपको हर सड़क पर किसान ही किसान नजर आए। तीन दिवसीय इस किसान चिंतन शिविर के दौरान किसानों के संगठन के मुद्दे को लेकर के राकेश टिकैत ने तमाम किसानों से अनुरोध किया कि वो अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में 5-5 नए किसानों को अपने साथ जोड़ें। नरेश टिकैत ने भी विभिन्न जिलों से आए हुए प्रधानों से, किसानों के अध्यक्षों से बातचीत की व अपने सुझाव दिए। पूरे किसान चिंतन शिविर के दौरान सभी किसान स्वयं अपनी ड्यूटी करते नजर आए, चाहे भंडारे की व्यवस्था की बात करें या वहां पर रुकने ठहरने की व्यवस्था करें, सभी किसानों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ मोर्चा संभाला हुआ था और दूर दराज से इस बार महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी हरिद्वार पहुँचे थे और किसान शिविर में वहाँ किसानों ने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया, साथ ही माँ गंगा मैया में स्नान भी किया और पूरे हरिद्वार में आपको हर सड़क पर किसान ही किसान नजर आए। भारतीय किसान यूनियन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर दिल्ली प्रदेश से, महासचिव दलजीत सिंह डागर, संरक्षक राज सिंह डागर, प्रवक्ता काला नंबरदार धर्मपाल प्रधान बाकरगढ़, अनूप सतपाल, रामनिवास प्रधान झुलझुली, जय भगवान समेत तमाम ऐसे किसान वहां पर पहुंचे जिन्होंने दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन की ओर से चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि लगातार तीन दिन तक इस शिविर के दौरान किसानों ने एक दूसरे से संवाद किया, एक दूसरे के क्षेत्र की समस्याओं को जाना और भारत देश के कोने कोने से आए, विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से आए किसानों ने अपनी बातचीत रखी। मध्य प्रदेश से आए किसानों ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा संगठन तैयार हो रहा है और उन्होंने राकेश टिकैत से आह्वान भी किया कि वो एक बार मध्य प्रदेश जरूर पहुँचे। विभिन्न जिलों के युवा जिला पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों ने इस पूरे प्रकरण को संभाले रखा और तीनों ही दिन वहां पर खासी चहल पहल के साथ बड़ी भीड़ भी वहां पर नजर आई। भारतीय किसान यूनियन की ओर से चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर ने सभी किसानों का धन्यवाद किया और
कहा कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से अपनी चर्चा करने के लिए और अपना आत्मावलोकन करने के लिए आगे की भविष्य की रणनीति तैयार करने में बड़ा मौका मिलता है, बड़ा अवसर मिलता है। और विभिन्न जिलों के, विभिन्न प्रदेशों के, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो किसान संगठन के नेता पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और उनसे चर्चा कर उनके क्षेत्र में किसानों के हालातों की जानकारी ली गई तथा साथ ही आगे की रणनीति तैयार की गई और रूपरेखा भी बनाई गई। दिल्ली प्रदेश से खास तौर से धर्मपाल प्रधान, बाकरगढ़ व तमाम जो पदाधिकारी थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने किसानों के साथ मिल करके इस किसान चिंतन शिविर में भाग लिया। ज्ञात हो कि गौरतलब है कि किसान चिंतन शिविर का आयोजन किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और यह ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर था जो हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और उसके बाद सर्दियों के मौसम में इलाहाबाद में यह किसान चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वरिंदर सिंह डागर ने कहा कि दिल्ली प्रदेश के किसानों की प्रमुख समस्याएं, चाहे वो लैंड पुलिंग की योजना को लेकर के हो, दिल्ली प्रदेश के किसानों के मुआवजे की बात हो, या दिल्ली प्रदेश के किसानों को आ रही अन्य समस्याओं की बात हो, खाद बीज की दुकानों की बात हो, तमाम ऐसी चर्चाएं थी जो किसान नेताओं के समक्ष रखी गई। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से लेकर के दिल्ली के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई और खुलकर संवाद किया गया। साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर ने उपस्थित दिल्ली प्रदेश से आए सभी किसानों का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी किसानों की तरफ से सहयोग मिलता रहेगा और किसान संगठन अपनी कार्य प्रणाली को लेकर के और अपने कार्य को लेकर के हमेशा संजीदा नजर आया है और किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश हमेशा हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता है। कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज की बात को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर ने कहा कि वहां पर सूरजमुखी के किसानों को MSP दिलाना एक बड़ी जीत मानी जा सकती है और अब पूरे देश में MSP को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह किसान का हक है और किसान को MSP मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान की फसल पर जब तक उसको MSP नहीं मिलेगी, जब तक किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। इस समय पूरे देश का किसान संगठित नजर आ रहा है और भारतीय किसान यूनियन टिकैत, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के नेतृत्व में तमाम जो भारत देश के किसान हैं वो राकेश टिकैत के नेतृत्व में एकजुट नजर आए और संगठन को धार देने के लिए कार्यकर्ताओं को, किसान नेताओं को राकेश टिकैत की ओर से कुछ मंत्र भी दिए गए, कुछ योजनाएं भी बताई गई, जिनको लेकर के इस किसान चिंतन शिविर हरिद्वार में पूरी तरह से चर्चाएं भी आयोजित की गई।